वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो MSBTE की एग्जामिनेशन होने वाली है विंटर 2021 की, मतलब अभी जो जनवरी महीने के 2022 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है, मतलब 8-10 दिनों के बाद में जो एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो उस एग्जामिनेशन में अगर आपने ये गलती कर ली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके जो सारे के सारे पेपर है जो आपने इस सेमिस्टर में दिए होंगे, मतलब 4-5-6 पेपर, तो सारे के सारे जो पेपर है उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। मतलब आप सारे के सारे पेपर में फेल हो जाओगे, पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट आपके फेल हो जाएंगे। लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है। किस तरह से आप वो गलती से बच सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। और साथ में आपके उनमें जो कुछ डाउट्स है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि MSBTE की जो ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग मेथड होगी, तो उसमें आपको कैसी वार्निंग आएगी, कौन सी वार्निंग कितनी बार आएगी, और कितनी वार्निंग आने के बाद आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको मल प्रैक्टिस होगा या कॉपी केस होगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी वार्निंग कितने बार आने के बाद आप पर कॉपी केस होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक जो वार्निंग है, तो वार्निंग आपको अगर आई, ठीक है, एक वार्निंग जो है वो अगर आपको एक ही बार आएगी और फिर भी अगर आपने वही गलती की, तो फिर आपके जो सारे के सारे पेपर है वो बैक रह जाएंगे। और जो दूसरी वार्निंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो वार्निंग आपको 2 बार आएगी, और 2 बार से ज़्यादा अगर आपको वार्निंग आती है फिर भी आपने वही गलती की, तो आपके जो सारे के सारे पेपर है वो बैक रह जाएंगे। आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा उस पेपर में वो कैंसिल हो जाएगा, आपको 0-0 मार्क्स मिल जाएंगे सारे के पेपर में, अगर आपने एक पेपर में भी अगर गलती की वो। तो ठीक है, तो वो 2 गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाजू में आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा और पिछले सर्कुलर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। देखिए यहाँ पर एडिशनल पर्सन अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनी इज और आर सीन कोलैबोरेटिंग विद एग्जामिनी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उस टाइम पे अगर आप कैमरे के सामने बैठे हैं, तो अगर कोई एडिशनल पर्सन या कोई व्यक्ति आपका घर का या कोई भी दोस्त या कोई भी व्यक्ति आपके कैमरे में दिख जाता है जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यू विल बी बुक फॉर द मल प्रैक्टिस इफ यू आर अगेन सीन विद एडिशनल पर्सन। मतलब आपको देखिए, और लास्ट के कॉलम में यहाँ पर दिखाया है कि 2 times, देखिए यहाँ पर इन द केस एग्जामिनी फेल टू कंप्लाई इवन आफ्टर बींग वन फॉर मोर देन 2 times अंडर मल प्रैक्टिस नंबर 3। मतलब देखिए, अगर आप कोई कैमरा में कोई पर्सन आपका दिख रहा है, ठीक है, और 2 बार या 2 बार से ज़्यादा अगर आपको वार्निंग आती है कि कोई एग्जामिनेशन आपके वार्निंग भेज रहे हो आपके इन्विजिलेटर आपको, और 2 बार से ज़्यादा अगर वार्निंग अगर आपको आती है, तो सारे के सारे जो पेपर का जो आपका जो आपने जो दिया रहेगा जो कुछ मार्क्स है वो 0-0 हो जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन फेल हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सारे के सारे पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे दिखाई दे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनी इन ऑल द सब्जेक्ट्स और कोर्स फॉर विच ही इज अपीयर्ड इन द करंट एग्जामिनेशन। मतलब सारे का सारा परफॉर्मेंस आपको कैंसिलेशन हो जाएगा, ये एक टाइप की वार्निंग है। और दूसरी जो वार्निंग है वो इससे भी ज़्यादा हार्ड है, मतलब उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अ पर्सन अदर देन द डिजाइनेटेड एग्जामिनी एज शोन इन फोटोग्राफ ऑन द हॉल टिकट इज सीन अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपके हॉल टिकट पर आपका जो फोटो है और आप जो एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी जगह अगर कोई दूसरा इंसान बैठा है या कोई आपका दोस्त बैठा है वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आपको एक बार वार्निंग आएगी कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी एग्जामिनेशन दे रही है, ठीक है। लेकिन एक बार वार्निंग आने के बाद भी अगर आप खुद एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, तो फिर आप पर मल प्रैक्टिस होगी। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इन ऑल द सब्जेक्ट और कोर्स फॉर विच ही इज अपीयर्ड साइमल्टेनियसली एज रेगुलर एक्स स्टूडेंट इन द करंट एग्जामिनेशन। तो आप या बैकलॉग के स्टूडेंट हैं या रेगुलर के स्टूडेंट हैं, आपके जो सारे के सारे जो पेपर है वो बैक रह जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी जो वार्निंग है उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपके कैमरा में कोई भी दूसरा पर्सन नहीं दिखना चाहिए आपके अलावा, या फिर जो दूसरी वार्निंग है उसमें आपको बताया गया है कि आपको ही एग्जामिनेशन देनी है, किसी और को नहीं। तो ये 2 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर बाकी जो गलतियाँ है उसको थोड़ी बार
थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, आप किस तरह से कोई गलती की फिर भी आपको वार्निंग नहीं आएगी, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको। मैं उसमें बताऊंगा कि अगर आपका 0% भी स्टडी हुआ है लेकिन आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते, उन स्टूडेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और पिछली बार भी मैंने बनाया था वीडियो और स्टूडेंट को बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा उनको मदद हुई थी, जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई में उनका मन नहीं या फिर आपकी एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पर आपके सारे के सारे जो लेक्चर से वो ऑनलाइन हुए, तो कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकता कोई कारण की वजह से, और ऑनलाइन में उतना कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। यही मेरा उद्देश्य है कि कोई स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% बताऊंगा कि किस तरह से आप एग्जाम में बिल्कुल फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी अगर आप वो रूल्स फॉलो करेंगे तो, और आप अच्छे से पूरे अगर आपको 0% भी स्टडी हुआ है तो भी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और जो स्टूडेंट अच्छा एग्जामिनेशन है मतलब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है तो उनको तो आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे वो, जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप कोई भी चीज़ या कोई भी फ्रेंड या फिर कोई नोट्स की किस तरह से हेल्प लेंगे और उसमें आपको वार्निंग भी नहीं आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।